नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्राफ्टेड बैगन की खेती कैसे करनी है। ग्राफ्टेड बैगन हमने ये लिया है 212 212 नंबर इसकी वैरायटी है। ये हमने ख़रीदा है, 9500 पेड़ खरीदे हैं। एक एकड़ में अगर आप 8x2.5 फीट में लगाते हैं तो लगभग 1900 के आसपास प्रति एकड़ पेड़ लगेगा। इसमें हमने अपना खेत जो 5 एकड़ इसके लिए छोड़ के रखा था, उसमें हमने मटर और गोभी लिए थे साथ में। पहले शानदार उत्पादन रहा, उसमें हमने मटर हमने ये 5 एकड़ में लगभग हमने 2-2.5 लाख का मटर बेच दिए थे और 70,000 के आसपास हमने बेचा था। ये गोभी का ज़्यादा रेट नहीं था, गलत टाइम में लगा हुआ था इसलिए। अभी ये हमारा मटर गोभी बिल्कुल ख़त्म है, एंडिंग में है। अब ये इसी में ये थोड़ा सा पेड़ को साइड करके, जैसे गोभी है और ये मटर को थोड़ा थोड़ा साइड करके, अपन ये बीच में ये सारे ग्राफ्टेड 212 को इसी में रोपाई कर देंगे। उसके बाद जो रोपाई के बाद जो हमारा दूसरा काम रहेगा, वो सबसे पहले हमने DAP के घोल लेनी है। उसको आधा बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से थोड़ा सा कम गाढ़ा में उसमें घोल डालेंगे जड़ में। दूसरा काम है जो हमने बीच का एक एक गैप नाली छोड़े थे, उसको इस तरह का जो फाड़ने वाला जो रेजर है उसमें हम बीज को फाड़ देंगे। जैसे ये पाना बीच में ये काम हमारा चल रहा है, जैसे बीच का फाड़ देंगे जो बीच में खाली गैप वाला मादा था, 4-4 फीट में पहले बना हुआ था, अब 8 फीट कर रहे हैं इसको। तो इसमें बीच में गोबर खाद डाल लेनी है, किनारे किनारे गोबर खाद, DAP, यूरिया, पोटाश हल्का डाल के ना ये मिट्टी चढ़ा देनी। इससे ज़बरदस्त ग्रोथ होगा, पेड़ की अच्छी हाइट आएगी, उत्पादन भी ज़बरदस्त रहेगा। ये फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं, जिससे जो नर पतंगे हैं वो इसमें फंस जाएंगे और फल छेदक, तना छेदक, इस तरह की थोड़ा समस्या कम आएगी। उसके बावजूद समस्या तो आती ही है, फल छेदक, तना छेदक इसमें मुख्य समस्या है और वाइट फ्लाई। उसके लिए आप एक तना छेदक के लिए बायर का ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैंने फ़ोटो डाल दी है। और इस तरह से येलो स्टिकर भी लगाएंगे तो इसमें थ्रिप्स, वाइट फ्लाई और भूरा मक्खी ये सब भी अट्रैक्ट होकर इसमें चिपकेंगे, जिससे थोड़ा सा आपका इंसेक्टिसाइड के खर्चा कम हो जाएंगे। इस तरह की टेप आती है माहू के लिए, वो हरा वाला है। दूसरा चीज़ इसमें छोटा ही है लेकिन फल बनना शुरू हो जाती है, आपको इसको तोड़ देनी है। एक एक ट्राली कम से कम प्रति एकड़ गोबर डाल के आपको इस तरह से मिट्टी चढ़ानी है, इस तरह से फाड़ने वाले जो रेजर है उसमें किनारे मिट्टी इस तरह से चढ़ना चाहिए कि उसका जो कलम है वो बिल्कुल दबना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ से जहाँ से उसका ग्राफ्टेड हुआ है वहाँ पे उसका जड़ निकल जाएगा और उसका जो ग्राफ्टेड है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। शुरुआत में आप तरीके से गोबर खाद सड़ी हुई, DAP, यूरिया, पोटास ये सब आप नाली में भर के मिट्टी चढ़ाएंगे, ज़बरदस्त उत्पादन रहेगा। आपके सिर के बल 5 फीट से ऊपर ही हाइट रहेगा, उत्पादन भी ज़बरदस्त रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान देने, सड़ी गोबर को आप बिल्कुल डालना ही है कम, जितना ज़्यादा हो जाए। वैसे 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए, मैंने 1 ट्राली एकड़ के हिसाब से डाला है, साथ में यूरिया, पोटास, DAP भी डाली है किनारे किनारे। अब इसको मिट्टी इस तरह चढ़ा रहे हैं, कलम बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, जहाँ से ग्राफ्ट हुआ है वो दबना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ से जड़ निकल जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको जल्दी से इसमें स्टेकिंग करना है। ये अपना मिट्टी चढ़ने के बाद दोनों साइड में 2 लाइन का बल्ली गड़ेगा और उसमें स्टेकिंग होगा, फिर इस तरह से ये शानदार खड़ा रहेगा, जिससे फल झुकेगा नहीं, चलने में भी आसानी होगी। फल इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन है, इसमें 2.5 एकड़ में आपका ट्रक लोड हो सकता है, 17-16 टन टूटता है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों करेला की खेती, ये हमारे करेला नवंबर में लगाए थे उसकी खेती के बारे में जानेंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।